80s और 90s के मशहूर सुपरस्टार सनी देओल की एक्शन फिल्म्स की अब क्या तारीफ करें। सनी को एक्शन अवतार में देखकर ऑडियंस पागल ही हो जाया करती थी, चाहे वो सनी पाजी का 2.5 किलो का हाथ हो या उनका कोई दमदार डायलॉग। सनी देओल के चिल्लाने भर से ही उस जमाने में उनके फैंस सीटियों और तालियों की बौछार कर दिया करते थे। और आज इसी तर्ज पर हम सनी देओल की बेस्ट एक्शन फिल्म्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। घायल। घायल में सनी देओल ने धमाकेदार एक्शन से सबको चौंका दिया था। घायल फिल्म में बोला गया सनी पाजी का वो बलवंत राय वाला डायलॉग आज भी उनके फैंस को मुंह जबान याद होगा। घातक। घातक फिल्म से सनी देओल ने साबित कर दिया था कि उनसे बड़ा एक्शन हीरो और कोई नहीं है। सनी देओल का वो डायलॉग, ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है, शायद ही कोई भूल पाए। बॉर्डर। सनी देओल ने फिल्म बॉर्डर में इतनी जबरदस्त एक्टिंग की थी कि उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मेजर कुलदीप सिंह चंदपुरी के रोल में सनी पाजी ने अपनी दमदार एक्टिंग से जान डाल दी थी। गदर एक प्रेम कथा। गदर एक प्रेम कथा में सनी देओल का एक्शन अवतार ब्लॉकबस्टर साबित हुआ था। एक भोले भाले और सीधे साधे तारा को जब गुस्सा आता था तो मजाल है उसके सामने कोई टिक जाए। वाकई में गदर में अपनी परफॉर्मेंस से सनी देओल ने सबका दिल जीत लिया था। द हीरो, लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई। इस फिल्म में सनी देओल के धमाकेदार एक्शन अवतार ऑडियंस को अपना कायल कर दिया था। एक जासूस के रोल में सनी देओल ने इस फिल्म में कई रूप बदले और हर रूप में उनका अवतार दमदार रहा। दामिनी। फिल्म दामिनी में सनी पाजी का ये डायलॉग, ये 2.5 किलो का हाथ है, जब किसी पे पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है, इतना पॉपुलर हुआ कि आज सनी पाजी को इसी 2.5 किलो वाले अंदाज से याद किया जाता है। तो ये है सनी देओल की कुछ चुनिंदा एक्शन फिल्म्स जिसमें उनकी मारधाड़ देखकर लोग उनके कायल हो गए थे।